हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियर डिफॉगर की। जो आजकल गाड़ियों में सिस्टम आ रहा है रियर डिफॉगर, बेसिकली उसका काम क्या है। यहां से मैं कंट्रोल स्विच बता देता हूं उसका कौन सा है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो इसका बटन है ये रियर डिफॉगर का है। हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये शुरू हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए गाड़ी हमारी स्टार्ट होनी चाहिए और ये देखिए लाइट ब्लिंक करने ग्लो करने लगी है। तो इट मींस ये इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बट बेसिकली इसका है काम है क्या, रियर डिफॉगर, जैसे डिफॉगर नाम से ही पता लगता है कि फॉग, तो फॉग को ये जमने नहीं देता है हमारा जो रियर जो हमारा ग्लास है उस पर। तो कैसे ये काम करता है मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बता दूं कि जैसे ही हम स्विच लगाते हैं गाड़ी का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके नीचे जो है वो एक फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स में रिले रहती है, तो बैटरी से करंट चलता है, रिले में जाता है और रिले से पास होकर वो करंट जाता है हमारे रियर विंड, हमारा जो स्क्रीन है। अब आप बोलोगे कि करंट और शीशा मतलब क्या फंक्शन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये है डिफॉगर लाइनिंग जिनको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। बाहर से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, अंदर से मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लाइनिंग जो दे रखी है इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। होता क्या है कि जब हम हमारी गाड़ी ऑन होती है और हम जो मैंने आगे बटन दिखाया आपको, जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो बैटरी से रिले से होता हुआ करंट जो है वो इन ग्रिड लाइंस में आता है। अब करंट आप बोलोगे करंट कैसे, करंट इतना मात्रा में नहीं आता है कि कुछ मतलब आप समझ रहे हो कि कर बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो वोल्टेज के साथ वो आता है और एक फिक्स किया गया होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया होता है कि इतनी ही जो अमाउंट में जो है वो इतना करंट इतना जो वोल्टेज है वो आएगी और इसको हीट अप करेगी। ओके, जब ये ग्रिड लाइंस के अंदर वो सर्कुलेट हो रहा होता है करंट, तो ये ग्रिड लाइंस को गर्म करता है। ग्रिड लाइन गर्म होने से शीशा थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर या जो फॉग शीशे के ऊपर जो जमी हुई होती है उसको वो इवेपोरेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो विंड स्क्रीन है रियर वाला जो हमारा शीशा है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है और हमें साफ दिखता है। जब हम बटन ऑन करते हैं, जो फ्रंट में जो बटन था उसको जब हम ऑन करते हैं रियर डिफॉगर का, तो बेसिकली वो 10 मिनट की साइकिल पे काम करता है। 10 मिनट तक वो साइकिल चलती है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। हाँ, अगर आपकी स्पीड गाड़ी की स्पीड मोर देन 48 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा हो तो वो जो है वो कॉन्टीन्यूस वर्किंग में रहता है। तो आपको पता ही है कि इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके विंडोज़ क्लोज हों अंदर और जैसे धुंध पड़ी हुई हो बाहर और अंदर भी मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट हो रहा हो, उसकी वजह से हमारा शीशा जो है वो बाहर से भी और अंदर से भी जो है वो फॉग जो है वो फॉगिंग होना, फॉग या मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये लाइंस का बड़ा काम है। और जब भी हम शीशा क्लीन करते हैं तो अंदर की तरफ से शीशा बहुत जेंटली क्लीन करें, बाहर से तो चलो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, शायद बताया मैंने आपको कि यहाँ से अंदर से आप इसको टच करोगे तो आप इसको फील कर पाओगे, बट बाहर की तरफ से आप अगर ये लाइन टच करोगे तो आप ये फील नहीं कर पाओगे। तो जब अंदर की तरफ से हम क्लीन कर रहे हैं ग्लास को तो बहुत सॉफ्ट कॉटन्स, जो हमारा कॉटन तो नहीं बट जो हमारा कॉटन क्लोथ होता है उससे क्लीन करना चाहिए बहुत हल्के, क्योंकि ये स्क्रैच हो जाते हैं जिसकी वजह से इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और ये गाड़ी में प्रॉब्लम आती भी है जिनमें ये है जब हम उसको जेंटली क्लीन नहीं करते हैं। तो ये तो था वीडियो कि कैसे ये काम करती हैं ग्रिड लाइंस और जिसको हम डिफॉगर बोलते हैं रियर डिफॉगर। तो ये इसका बेसिकली जो इसका काम है यही है। और थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ ज़रूर करें, और जिन्होंने किया है वो लाइक कर दें यार। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।